विद चटनी। ये आपको दोनों लेने, अमन ने देखो तीन ले लिए हैं। ये बन गई है हमारी एग करी। हाथ में केक लिए हैं क्योंकि एक केक लेके आ गए थे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। हम दोनों टाइम पास कर रहे हैं। आज हम कहीं और जाने वाले थे, ट्रेन से ट्रेन बुकिंग नहीं हुई, उसका चार्ट बन गया था। रिलायंस कर रहा है अपने स्कूल का होमवर्क। मैं बैठी हुई थी एंड आज हम लोग देख रहे थे अपने ट्रेन का रिजर्वेशन, सोच रहे थे घर निकलेंगे बट नहीं हो पाया। 11:30 बज गए, हमारा रिजर्वेशन नहीं हो पाया। सो अब हम लोग कल रिजर्वेशन लेंगे एंड परसों निकलेंगे। अभी आने वाला है अमन जलंधर से, वो भी हमारे साथ जाएगा दिवाली पे घर, वो घर जाएगा एंड हम लोग सीधा निकल जाएंगे रुद्राज के दादू एंड दादी के पास, है ना। ओवर कर लो, पीछे कपड़े पड़े हुए हैं, मैंने सोचा आज बैग पैक कर लूँगी, अगर पता नहीं तत्काल में अगर रिजर्वेशन हो गया तो अच्छा है, बट नहीं हो पाया। रुद्रांश के कपड़े निकाल के रखे हुए थे उस रूम में मैंने अपने एंड रुद्रांश के पापा के दोनों के निकाल के रखे थे, बट हमारा रिजर्वेशन नहीं हो पाया। तो अभी कपड़े तो बैग में लगाने ही क्योंकि जाना तो है। चलो अमन आने वाला है, मुझे अभी बनाना है डिनर। ये आज हमारे घर में अंडे बनेंगे फिर से, ये अंडे वाले के लिए रख दिए। शाम वाली मैंने संध्या भी कर दी। अपनी एग करी को चेक कर लो, आज वो अपने हाथों की एग करी को खाएंगे। ये बन गई है हमारी एग करी, ये देखो यहाँ पे एकदम रसीली टाइप की। अमन देख तेरे लिए एग करी बन गई है, बिल्कुल रेडी हो गई है। खाना पीना हो गया है, रात के बज रहे हैं 9:30 और मैं देखो हाथ में केक लिए हुए क्योंकि एक केक लेके आए हुए थे ना सब हम लोग। थोड़ा सा केक मतलब आप मामू से ज़्यादा पावरफुल हो। अच्छा क्या क्या बैंड कर रहे हो आप? इसको बैंड करो ना। गुड मॉर्निंग, सुबह का टाइम हो रहा है, रात में हम लोग खाना वगैरह खा पी के थोड़ी मस्ती वस्ती बातें आते करके सो गए थे और अभी सुबह का टाइम हो रहा है। सो मैं रुद्रांश के लिए फटाफट से रेडी कर देती हूँ क्योंकि उसको जाना है स्कूल एंड आज उसको ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के जानी है, जैसे कि कुर्ता पजामा। देखो आज बाबू हमारा कुर्ता पजामा पहन के जा रहे हैं, ये मास्क, बाल खड़े हो रहे हैं अभी। रुद्रांश तो गया है स्कूल, मैं अभी थोड़ा बहुत क्लीनिंग का काम निपटा लेती हूँ, ये भी सर वगैरह फोल्ड कर देती हूँ क्योंकि बस उसको मैंने टिफिन बना दिया एंड ये गए हैं उसको स्कूल छोड़ने के लिए। और अभी मैं ना अपने सुबह वाले जो क्लीनिंग के काम है ना वो निपटा लेती हूँ। सोच रही हूँ जो बेड के अंदर ब्लैंकेट वगैरह रखे हुए हैं उनको ऊपर डाल के आएंगे, सो फटाफट से मैं रूम साफ कर लेती हूँ एंड उसके बाद रूम पर जाएंगे बिस्तर वगैरह लेके, मतलब ब्लैंकेट वगैरह जो मतलब ठंडी वाले जो कपड़े हैं ना वो लेके जाना है। ये आपको दोनों लेने, अमन ने देखो तीन ले लिए हैं। चलो आ जाओ, मेरा ये है, हम लोग जा रहे हैं कपड़े ऊपर डालने के लिए सुखाने के लिए। किसी के अगर पर्दों के छल्ले निकल जाएं तो इस तरीके से लगा सकते हैं। देखो हमारे पतिदेव सही कर रहे हैं, एक्चुअली मैंने इनको मशीन में डाल के धो दिया तो वो खुल गया था, तो ये इसके लॉक निकल गए हैं छल्ले, तो इन्होंने ना खोल के उसको और बीच में पर्दा लगा के इसको कस दिया है, तो ये पर्दे हो गए हैं बिल्कुल सही। अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा बाहर घूमने के लिए।
हमने दिवाली की लाइटिंग वाइटिंग देखने के लिए, क्योंकि फिर कल सुबह अमन भी चला जाएगा एंड नाइट में हम लोगों की भी ट्रेन है तो हम लोग भी निकल जाएंगे। देखो बन रहे हैं अभी, गर्मा गर्म समोसे विद चटनी। गर्म बहुत हो रहा है, तूने खा भी नहीं इतना गर्म, ठंडा हो जाने से थोड़ा। देखो कैसे लग रहा है, अरे इस रोशनी में समझ में आते हैं क्या? अरे फेस पे कैसे लग रहे? हाँ ठीक है। चलाते चलो। हाँ। लड़कियों को पिंक अच्छा लगता है, ये नहीं लूं। अरे तो लड़कियों को पिंक अच्छा लगता है, आप पिंक क्यों ले रहे हो? आपको भी ले। मामा को नहीं चाहिए। सोमन देख रहा है लेंस कार्ड पे अपने चश्मे के लिए लेंस चेंज करवाने का। देखा पहुंच गए हम लोग घर, इतनी सारी शॉपिंग करके, शॉपिंग क्या क्या की अभी हम बताएंगे, अभी बस ऊपर चलते हैं। मैंने खिचड़ी में छौंक लगा दिया, ये बन रही है खिचड़ी, इसका ढक्कन बंद कर देती हूँ मैं। खिचड़ी बनने रखे आई हूँ मैं और ना काफ़ी थक गए हैं मार्केट में, और क्योंकि हम लोग समोसे खा के आए थे ना तो इतनी भूख भी नहीं है और खिचड़ी खाने का मन हो रहा था, सो खिचड़ी बनने के लिए रखा। मैं दो पॉट लेके आई हूँ फ्लावर के लिए, तो ये दोनों पॉट हैं जो मैं लेके आई हुई हूँ। एक ये वाला था, ये फ्लावर मेरे पास पहले से थे तो उसको फ्लावर को रखने के लिए मैं ये पॉट लेके आई थी, और ये वाले फ्लावर रखने के लिए मैं ये वाला पॉट लेके आई थी, क्योंकि इससे पहले इसमें रखे हुए थे ना तो अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए ये टीवी के नीचे ये वाला पॉट रख दिया है। इयर रिंग्स खरीदे हैं बस, और कुछ भी नहीं दिया। सो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। कैसा लगा आप लोगों को आज का ब्लॉग? अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब।